नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय मिलती रहती है। और उसी कड़ी में एक और अपडेटेड जानकारी आप सभी के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन का जो DV होना है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन 2000 के लगभग बच्चों का, वो 6 और 7 तारीख को होना है। और सबसे बड़ी बात, उसको लेके बहुत दिनों से कन्फ्यूजन था और बहुत सारे वीडियोज़ आप देख चुके थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितने सेट लेके जाने हैं, फला दिगड़ा, बहुत सारी बातें आपने सुनी। हालांकि अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे को वेट था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, कि उसमें चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको क्या कुछ लेके जाना है। हम जल्दबाजी के बजाय वेट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास पूरा समय है, कितने सेट चाहिएंगे, गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने नहीं करवाने, या DV 6 या 7 को कब होगा, या उसका क्या प्रोसेस होगा, हम 6 को जाएं 7 को जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं। अभी मैं ये वीडियो जस्ट वैसे बना रहा हूँ, फिर हम शाम को लाइव भी करेंगे एक बार, जिसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन बचेगा तो उसको हम लाइव में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ आपको, सबसे पहली बात तो हमारा DV होना है 6 और 7 तारीख को। अब आपका कब होगा उसमें भी अभी आप जल्दबाजी मत बरतें, क्योंकि HSSC की तरफ से पूरा शेड्यूल आएगा, परफेक्ट शेड्यूल क्या आएगा उसमें बाकायदा ये लिखा होगा 6 तारीख को 10 से 11 के बीच इतने रोल नंबर, ये रोल नंबर आएंगे, फिर 11 से 12 के बीच, पूरा डे वाइज शेड्यूल आना, और शेड्यूल में आपका रोल नंबर आपको मिलने वाला है। इसलिए जल्दबाजी मत करें, ना आपको 6 को जाना ना 7 को जाना जब तक शेड्यूल नहीं आता है। ऐसे नहीं कि वहां पे कोई सिलेंडर कटवाने की पर्ची के लिए लाइन थोड़ी लग रही, आप कभी भी लग जाओगे। आपको HSSC बुलाएगा, सिस्टमेटिक ढंग से बुलाएगा, उसमें आपके रोल नंबर जिस भी समय आप मिले आप जा सकते हो उस दिन, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें चीजें जो है बेटर तरीके से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और बाद में कोई आपका क्वेश्चन बचता है तो आप लाइव में पूछ सकते हो, शाम को हम लाइव डिस्कशन करेंगे। तो अभी एक बार डिटेल में इसको देख लेते हैं। इट इज़ नोटिफाइड फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन टू कंसर्न कैंडिडेट दैट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ डिक्लेयर द रिजल्ट, ये बातें बता रखी हैं। उसके बाद यहाँ पे विच वर क्लेम्ड एंड अपलोडेड एट द टाइम, अच्छा जो डॉक्यूमेंट आपने जब फॉर्म अप्लाई किया, जो भी अपलोड किए थे, उनकी फोटोकॉपी आपको जो है लेके जानी है और ओरिजिनल लेके जाने हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे विच वर क्लेम्ड एंड अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट एंड प्रोसीजर द सेम एंड गेट देम वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ स्क्रिप्टिंग, तो इन्हीं की फोटोकॉपी और इन्हीं के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किए थे वो लेके जाने। कितने सेट चाहिए उसका अभी तक कोई जिक्र नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म या एक्नॉलेजमेंट जो भी आपकी है, मेरिट सर्टिफिकेट, सॉरी मैट्रिक 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास हो। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का मतलब है आपके पास डिग्री हो, DMC हो, और फाइनल ईयर की जो ओवरऑल मार्क्स जो भी बनते हैं आपको वे आपके पास हो। डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपने अपने MPED भी लगा रखी लेके जा सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। बता दूं आपको BEd का सर्टिफिकेट, इसका मतलब है BPED का सर्टिफिकेट, ठीक है। HSTET का सर्टिफिकेट आपके पास हो। एक्सपीरियंस के लिए अगर आपने नंबर क्लेम किए तो वो आपको लेके जाना है। सोशियो इकोनॉमिक्स सर्टिफिकेट अगर आपने 5 नंबर क्लेम किए तो वो लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है, आप जनरल में फाइट करें तो कोई जरूरी नहीं, अदरवाइज रिजर्व कैटेगरी से वो लेके जाना है। अब दूसरी कैटेगरी होगी PWD सब कैटेगरी, ये सब लेके जाना है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल, आप हरियाणा से बिलोंग करते लेके जाओ, अदर स्टेट के हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। और जो भी डॉक्यूमेंट इसके अलावा आपने ऊपर वहाँ पे अपलोड किए, जैसे आपने जो है हैंड रिटन में वो अपलोड की थी, उसको आप लेके जा सकते हो। इसमें लिखा नहीं, हालांकि लेके जाना जो भी चीज़ आपने अपलोड की थी। कैंडिडेट और ऑल्सो एडवाइज टू मार्क पेजिंग ऑन एवरी पेपर एंड अकॉर्डिंगली फिलिंग द इंडेक्स फ्रॉम एंड टैग ऑल डॉक्यूमेंट इन फाइल कवर बाई क्लियरली मेंशन कैंडिडेट नेम रोल नंबर। अच्छा, अब जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको एक फाइल में लगाने हैं सिक्वेंस में, मैं बता दूंगा कैसे लगाने हैं। और उस फाइल के ऊपर अपना नाम, अपना रोल नंबर, पोस्ट का नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी नंबर, और जो भी आपकी कमेटी बनेगी वहाँ पे, जिस भी कमेटी में आपका रोल नंबर जाएगा वो, और डेट ऑफ स्क्रूटनिंग आपको जो है फाइल के ऊपर लिखनी है क्लियर शब्दों में, ठीक है। इनकम्प्लीट इंडेक्स एंड स्क्रूटनिंग फॉर्म विद कटिंग और ओवरराइटिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट वहाँ नहीं लेके जाएंगे। पर्टिकुलर डिटेल जो है सारी, जो भी आपको जो भी स्क्रूटनिंग फॉर्म है उसमें डालनी है आपको, ठीक है। और जिस सीक्वेंस में वहाँ पे डालोगे उसी सीक्वेंस में आपको पेज नंबर डालने हैं, कि ये सीक्वेंस फर्स्ट लाइन में डाली है तो वहाँ पे डाल दोगे पेज नंबर, मतलब जो सीक्वेंस लगाओगे उस पे पेज नंबर डाल दोगे, पेज के ऊपर हेडिंग लास्ट में, 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज, ऐसे, वो मैं आपको समझा दूंगा।
इसके अलावा जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ लेके जाने हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, स्क्रूटनिंग और स्क्रूटनिंग फॉर्म भी जो आपके पास होना चाहिए। तो ये अलग अलग दे रखे हैं, आप देखोगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगेंस्ट ये दे रखा। तो इसके बाद फिजिकल का भी आपको नीचे मिल जाएगा, नीचे जाओगे तो, और ये सारी चीज़ें हैं जो बता रखी हैं इन्होंने, ठीक है। हरियाणा स्क्रूटनिंग परफॉर्मा फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी आर्ट्स, ये आर्ट वालों के लिए है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें हरियाणा, ये आपको निकलवा लेना है, सभी को निकलवाना होगा ये। इसके बाद अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है, सभी के इंडिविजुअल भी दे रखे हैं, ये भी निकलवा लेना आपको। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ने नंबर ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट, विडो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, कैंडिडेट नंबर, इशूइंग डेट, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट है तो नहीं है जो आपके पास, उसमें डैश कर देना, उसको आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट, ये चीज़ें खाली छोड़ देनी आपको। डाउनलोड एप्लीकेशन, मैट्रिकुलेशन यहाँ पे डिटेल डालते रहना, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, एक नंबर पेज है, दो नंबर पेज, सीरियल नंबर क्या लगाया आपने, रिमार्क्स, जो चीज़ समझना है वहाँ पे खाली लेके चले जाना, वहाँ पे फिलअप कर लेना आप, ठीक है। 10+2 की डिटेल, ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें ऐसे करते हुए आपको डालते हुए जाना, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ भी आपको जो है, ये वो मामला है 5 नंबर वाला, अंडरटेकिंग वाला, आप देखोगे डू हेयर बाई अंडरटेक दैट आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट अगेंस्ट, आई हैव हेयर बाई अंडरटेक दैट वाइल अप्लाइंग द अबोव साइड पोस्ट आई इनवेडली क्लेम्ड अंडर द हेड, ये वो मामला है। अगर गलती से आपने क्लेम किया तो अब उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं भाई, ठीक है, कोई मामला नहीं, और इसको भी निकलवा लेना आप। इसके बाद आपको मिलेंगे इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट के, टीजीटी म्यूजिक आ गया, इसके बाद हमारा नीचे जाओगे आप, हमारा मिल जाएगा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिलअप हैं, रोल नंबर, यहाँ पे आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ईमेल और कैंडिडेट, ठीक है, एज पर क्लेम्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म कैटेगरी। इसके बाद क्वालिफिकेशन वही है, मैट्रिकुलेशन आपके पास है तो यस कर दोगे, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, रिमार्क्स, ठीक है, ग्रेजुएशन विद, ये वो सारी डिटेल्स आप डालते जाओगे। एस्टेट आपको लिखना है, हायर क्वालिफिकेशन। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो इस पॉइंट को लेके कि एस्टेट स्टेट मस्ट बी वैलिड ऑन 26/10/2022। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो है मामला क्या है, कई बार HSSC अपने पुराने डॉक्यूमेंट को साइट पे अपलोड कर देती है, तो HSSC ने अगर फॉर्म भरवाते टाइम आपका इस साल का एस्टेट कंसिडर किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी एस्टेट है उसकी जो भी डेट है वो इसमें डाल दें, 26/10/2022 को इग्नोर करें, ये कोई मैटर नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, इसके ऊपर इतना बड़ा हवा आपको क्रिएट नहीं करना है, बहुत मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, ये कोई भी मामला नहीं है, इसको इग्नोर करें, ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर वर्किंग टीचर्स, ये कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ये जो जो चीज़ें एप्लीकेबल आप भरते जाओगे, रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप डाल दोगे, ठीक है। और ये है ऑफिस यूज़ के लिए भाई, अगर आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हो किसी कारण से तो वो यहाँ पे आपकी नेग्लिजिबेंसी जो भी मतलब डॉक्यूमेंट में कमी होगी वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, नीचे वाले को आपको नहीं छेड़ना है। और सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के लिए मामला ये है, आपको ये सारी चीज़ें डालनी है और ये फिर ऑफिस यूज़ के लिए आपको छोड़ देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं डालना, बहुत ही इजी प्रोसेस है, इजीली इसको फिलअप करें घर बैठ के, और कोई चीज़ समझ ना आ रही तो वहाँ लेके चले जाएं। रिमार्क वाले पोर्शन को खाली छोड़ दें, इसमें शायद वो रिमार्क खुद डालेंगे चेक करके, ठीक है। और ये 2022 वाला मामला मैंने आपको बता दिया, इसको इग्नोर करें, ये कुछ भी मामला नहीं है, आप एलिजिबल हैं, आपने कभी भी एस्टेट किया हो उसकी डिटेल इसमें डाल दें, ठीक है। HSSC वाले इस लाइन के ऊपर कटिंग मार देंगे, अगर कोई इशू होता है तो वो HSSC का इशू है, आपका नहीं, ठीक है। तो ये थी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई इस वीडियो में, अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप लाइव में पूछ सकते हैं, लाइव में हम डिस्कशन कर लेंगे, अदरवाइज मेरे हिसाब से मैंने कोई कन्फ्यूजन आपके लिए छोड़ा नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को मिलते हैं लाइव, तब तक के लिए इस वीडियो को आप दूसरे साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।